पांच सालां बाद फिर मिलांगे जिहो जिहा समां आऊगा, पांच सालां बाद फिर मिलांगे जिहो जिहा वेला आऊगा, पोटर लिखूगा कमियां थोड़ियां जां सिफतां दे गीत बनाऊगा। पर लिखदा रहूँ रीसेंट टाइम बिच बह के, पर लिखदा रहूँ रीसेंट टाइम बिच बह के, कलमां ते जोर ना चलदे आ, हाँ दे नारे दा शहर है साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। वेलकम टू रीसेंट टाइम्स, मैं ममून रशीद अज थोड़े सामने फिर हाजिर हाँ। अज फिर एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है और बेहतरीन पोएट्री है, बेहतरीन मैसेज है। उस मैसेज नू लेके साडे कोल आए ने अब्दुल सतार पॉटर साहब। एक मैसेज मलेरकोटला दे जिते हुए विधायक दे नाम इन्होंने कलमबंद किया है और डिस्प्ले करना चाहते हैं साडे चैनल दे माध्यम तो। असी भी कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया स्टाफ असी तुहाडे वास्ते लैके आउंदे रहिए, मलेरकोटले वासियों वास्ते और मलेरकोटले दे जिते हुए MLA वास्ते। की मैसेज है अब्दुल सतार पॉटर साहब का, आपां पुछ रहे हैं, गलबात करवाने थोड़ी ते वो मैसेज भी लवेंगे इन्हां तों। आओ वेलकम करिए अब्दुल सतार पॉटर साहब दे नाल। पॉटर साहब वेलकम थोड़ा साडे चैनल रीसेंट टाइम जी। सब तो पहला तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत धन्यवाद मामून सो तुहाडा, तुहाडे जिन्ने भी तुहानू देख रहे हैं सारे स्रोतियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुसी साडी जिहड़ी आवाज़ है लोगों के तक पहुँचाते रहने हो जी। पॉटर साहब इत्थे मैनू एक गल दसो, तुसी जो लिखिया है की मतलब सोच दे नाल लिखिया है? और तुसी पहला भी मैं देखिया एक बार साडे चैनल के उपर तुसी एक मैसेज दिता सीगा मलेरकोटले जनता नूं, हुण एक बार फिर एक मैसेज है, की मतलब सोच है, की शब्द नूं हो किहड़े शब्द परोए हैं इस बार? मोहम्मद साहब पहले जिहड़े असी तुहाडे माध्यम दे राहीं असी शब्द दित्ते सीगे ओ मलेरकोटला लोगों की आवाम नूं सीगे कि अपने किस तरह जो शहर के जो हालात थे वो असी अपने लोगों के सामने रखे सीगे और साढ़े जिहड़े नुमाइंदे सीगे उस समय वोटां दे विच उन्हां दे लई असी जिहड़े सीगे वो किस तरह लोगों के नाल पेश आउण स्टेजां दे उत्तों किस तरह की गलबात करन वो तुहाडे सामने रखे सीगे। ते हुण इलैक्शन का जिहड़ा दौरा खत्म हो चुका है ते पूरे पंजाब दे विच लोगों ने जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ा हैगा वो बहुमत दे दिता है ते साडे मलेरकोटला हलका मलेरकोटले तो भी आम आदमी पार्टी के जिहड़े विधायक सीगे डॉक्टर जमीलुर रहमान जी उन्हां नूं बड़ी बहुमत दे विच लोगों ने जिहड़ा हैगा वो जताया हैगा। सो हुण असी मंग करते हैं साडे जिहड़े इत्थों दे उम्मीदवार ने कि जो लोगों ने उन्हां नूं देख के वोटां पाईआं ने, जो उन्हां दी क्लैरिटी देखी है, जो उन्हां दा पढ़े लिखे होण दा जो उन्हां दा देखिआ है, जो उन्हां दे वादे सीगे, जो आम आदमी पार्टी दा जो मैनीफेस्टो सीगा कि उस दे उत्ते उह पूरे उतरदे आ जां नहीं उतरदे, या फिर जिहड़ी मलेरकोटले दी सियासत है वह एक वक्खरे तरह की सियासत हुंदी है कि डॉक्टर जमीलुर रहमान भी उस तरह की सियासत करते हैं या फिर उस तो कुछ हट के जिमें लोगों उम्मीदा ने उन्होंने उत्ते खरे उतरते हैं। उस दे लई मैं कुछ लिखिया हैगा, एक गज़ल है छोटी जी मेरी, वो मैं जमीलुर रहमान तक साडे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने तक यही पहुँचाना चाहना कि हुण जिहड़ी दे दिता तुहानूं लोगों ने फतमा, बहुत ही सोच समझ के शहर के विच तुहानूं विचरन की लोड़ है, बहुत ही सोच समझ के जिहड़ा हैगा शहर के प्रति फैसले लैण की जरूरत है जी। सर इस तो पहला कि आप तुहाडे जिहड़े शब्द हैं वह साडे जो स्रोते हैं साडे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने रूबरू करिए, मैं एक गल सोचदा कि यह जिहड़े शब्द हैं ये आउंदे किवें? ये आटोमैटिकली एक सोच हुंदी है, सोच उस तो बाद जो मतलब एक सफ़े के उपर लिखी जाती है जी? बिल्कुल मामून साहब, जो इंसान की सोच होंगी है, जो साड़ी सोच है, असी सोचते हैं कि शहर के प्रति की होना चाहिए, की जड़ियाँ साढ़े शहर कमियां ने वो दूर होनी चाहिए ने, और जो तो साढ़े माइंड के आदियां ने दिल के साडे जज्बात आते हैं फिर असी उन्होंने उस कलम का रूप दें और कलम के रूप के फिर असं धन्यवादी हाँ तुहाडे लोगों का जो बहुत ज़्यादा साडा ख्याल रखते हो और लोगों तक साड़ी आवाज़ है जी पहुँचाने जी। पॉटर साहब प्लीज़ जरा थोड़े शब्द भी सुन लीए। मेरे शब्द मामून साहब सब तो पहले यही ने, देखो बहुत बड़ा जिहड़ा फतवा है वो लोगों ने दिता है आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच जमीलुर रहमान साहब नूं, सो थोड़े हक च फतवा जारी करता बहुमत थोड़ा भारी करता, थोड़े हक च फतवा जारी करता बहुमत थोड़ा भारी करता, हुण असी देखांगे खेड सियासत जिस दे बड़े ही चाले आ, हाँ दे नारे दा शहर है साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ। असी मन्नदे हाँ कि सड़कां टुटियां पुल भी डिगण ते खड़ा है,
असी मनते हाँ कि सड़क टुटियां, पुल भी डिगण ते खड़ा है, कल्ला हस्पताल नहीं तुसी ठीक करना, कम होर भी थोनू बड़ा है। दुश्मन भी कई चालां चलू, दुश्मन भी कई चालां चालू, जिस दे जोर निराले आ, हाँ दे नारे दा शहर आ साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। पढ़े लिखे तुसी खूब जाणदे किवें विद्या नूं सही करना है, पढ़े लिखे तुसी खूब जाणदे किवें विद्या नूं सही करना है, अपने भी कई डंग मरणगे, पैणा उन्हां नूं भी जरना है। किते किते पौ जोर दिखाउणा, किते किते पौ जोर दिखाउणा, किते सबरां दे पीणे पैणे प्याले आ, हाँ दे नारे दा शहर आ साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। पिंडां वाले लोकां ने भी जोर पूरा ही लाया है, पिंडां वाले लोकां ने भी जोर पूरा ही लाया है, उन्हां दा भी थोड़े सिर ते ऐतकी कर्ज बकाया है। किसी गल्लों ना वह पिछे रह जाना, किसी गल्लों ना वह पिछे रह जाना, वह बड़े ही हिम्मत वाले आ, हाँ दे नारे दा शहर आ साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। भज भज पैने थोनू कम ने करने, कदे भी ना थकी हो जी, भज भज पैने कम थोनू करने, कदे भी ना थकी हो जी, भगवंत मान जी शहर मेरे विच गेड़ा तुसी भी रखी हो जी। मुख्यमंत्री आ गुआंढी साडा, मुख्यमंत्री आ गुआंढी साडा, असी बड़े ही कर्मा वाले हाँ, हाँ दे नारे दा शहर आ साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। पंज सालां बाद फिर मिलांगे जिहो जिहा समा आऊगा, पंज सालां बाद फिर मिलांगे जिहो जिहा वेला आऊगा, पोटर लिखूगा कमियां थोड़ियां, जां सिफतां दे गीत बनाऊगा। पर लिखदा रहू रीसेंट टाइम विच बह के, पर लिखदा रहू रीसेंट टाइम विच बह के, कलमां ते जोर ना चलदे आ, हाँ दे नारे दा शहर आ साडा, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, जमील साहब हुण थोड़े हवाले आ, हुण थोड़े हवाले आ। वाह जी वाह, पोटर साहब बड़े मतलब अच्छे अल्फाज तुसी लिखे हैं, तुसी मतलब एक रिक्वेस्ट भी करती है साडे जो मतलब इलेक्टेड नुमाइंदा है साडा, उन्हों रिक्वेस्ट भी करती है, ते नाल दी नाल एक चेतावनी भी है कि जो अगर तुसी नहीं करते तो उस तो बाद लिखना थोनू वो भी पैना है, उन्होंने अगेंस्ट भी पैना है, उन्होंने जो कमियां होनगियां वो भी लिखनिया पैनिया। बहुत अच्छे मतलब अल्फाज तुसी दसे और मैनू उम्मीद है कि साडे व्यूअर्स नू बहुत पसंद आवणगे। और बाकी कंक्लूड करन तो पहला एक अपील मलेरकोटले की जनता वास्ते ते साडे चुने हुए MLA वास्ते थोड़े तो लेना चाहूँगा। मेरी लास्ट दे विच साडे चुने हुए नुमाइंदे साहब जो डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब ने, उन्हां तो यही अपील है कि जिमें भी लोगों दीयां जिहड़ियां कमियां ने तुहानू इलैक्शन दे विच लोगों ने दसियां ने मलेरकोटला शहर दीयां, सब तो पहलां तुसीं उन्हां नू दूर करो। और पहलां भी मैं एक रिक्वेस्ट कीती सीगी कि तुसीं ज़्यादातर लोगों दे विच आप रह के विचरियो, ये ना होवे कि डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब किते होर गए हुए ने जी, घर नहीं जी, बाहर गए हुए ने, और तुहाडे नुमाइंदे ने जिहड़े मूहरे अगे तुसीं कर दिंदे ने, असीं देखदे आ रहे हैं कि 10-15 बंदे जिहड़े मलेरकोटले दे ने ओह मलेरकोटले नू चलाउंदे ने। सो प्लीज़ मेरी बेनती है कि तुसीं आप अगे आ के लोगों के विचरीओ, आप लोगों के सुखों के दर्दों के खुशियां के शरीक होइयो, शहर दीयां जिहड़ियां मुश्किलां ने उन्हां नू दूर करो। और अगर तुसीं इदां नहीं करनगे तां फिर जिहड़े मलेरकोटले दे लोग ने उह बहुत सियाणे हो चुके ने, बहुत जागरूक हो चुके ने, नौजवान अज्ज दा यूथ है जिहड़ा बहुत जागरूक हो चुका है, आने वाले जिहड़े 5 सालों बाद फिर जिहड़ा हैगा उह तुहानूं परेशानियां भी खड़ियां कर सकदा है। शुक्रिया जी पोटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साडे इत्थे आउण वास्ते और अपना समां देण वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। आपां गल कर रहे सी अब्दुल सत्तार पोटर साहब दे नाल, पोटर साहब ने जिथे एक रिक्वेस्ट रखी है साडे इलैक्टेड नुमाइंदे नूं मलेरकोटले दे डॉक्टर जमीलुर रहमान दे सामने एक रिक्वेस्ट रखी है, एक उन्हां नूं अपील कीती है कम करन दी मलेरकोटले दा, और नाल दी नाल एक चेतावनी भी है कि जे कम नहीं हुंदा तां उस तों बाद मलेरकोटले दी जनता सियाणी है ते ओह वाइस वर्सा भी कर सकदी है। जिस तरह कि हुण आपां गल करिए कि दो सिरकट जो पार्टियां सीगियां पंजाब दीआं, उन्हां दो सिरकट पार्टियां नूं एक एक तरह बिल्कुल साइड ते ला दिता गया और तुहानूं बहुमत दिता गया, तुहाडे कोल जो उम्मीदां लोग वो उम्मीदां चाहुंदे ने कि तुसीं पूरियां करो, ते मैं उम्मीद करदा कि तुसीं पूरियां करोगे। थैंक यू वेरी